अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं उमरा के लिए। माशाल्लाह हम निकलने ही वाले हैं और मैं दो रकात नफील नमाज अदा करने लगी हूँ। सो इंशाल्लाह आप लोग से मैं रास्ते में बात करती हूँ। सो ओके फ्रेंड्स, हम लोग रास्ते में हैं, हम लोग घर से निकल चुके हैं। सो ओके, मैं आप लोग से शॉर्ट में बोलूँगी जो भी थिंग्स टू डू बिफोर परफॉर्मिंग उमरा। सो फर्स्टली कट योर नेल्स, रिमूव अनवांटेड हेयर फ्रॉम अंडरनेथ द आर्मपिट एंड बिलो द नावल, एंड प्योरीफाई योर सेल्फ आइदर बाई टेकिंग अ बाथ और परफॉर्मिंग अब्लूशन। नाखून काटने हैं, अनवांटेड हेयर्स निकालने हैं एंड अपने आप को प्योरीफाई करना है नहाकर या वजू कर कर। ओके, सो फॉर मैन एहराम इज़ कंपल्सरी। एहराम का एक पीस जिसे इज़ार कहते हैं वो लोअर बॉडी कवर करने के लिए होता है, एंड द अदर पीस जिसे रिदा कहते हैं वो अपर बॉडी कवर करने के लिए होता है। सो वन पीस विच इज़ इज़ार इज़ फॉर लोअर बॉडी एंड द अदर पीस विच इज़ रिदा इज़ फॉर अपर बॉडी। औरतों के लिए ऐसा कोई एहराम के जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वो बुरखा विद कंप्लीट हिजाब पहने जिसे बॉडी फुल कवर हो जाए। नो स्पेसिफिक गारमेंट्स फॉर वुमेन। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू वेयर क्लोथिंग दैट कैन कंसील द शेप एंड कवर द बॉडी कंप्लीटली। बाकी मर्द औरत दोनों को दो रकात नफील नमाज अदा करना है उमरा की नियत करते हुए। अदर थिंग्स रिमेन सेम फॉर बोथ परफॉर्मिंग, टू रकात नफील सलाह एंड रिसाइटिंग तलबिया कंटिन्यूसली टिल वी रीच हरम। सो तलबिया इज़ नथिंग बट लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। रिसाइटिंग तलबिया वंस इज़ ऑब्लिगेटरी बिफोर स्टार्टिंग तवाफ इज़ प्रेफरेबल, हाउएवर रिसाइट इट कंटिन्यूसली टिल यू स्टार्ट तवाफ। सो तलबिया एक बार पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, तवाफ़ से पहले पढ़ना प्रेफरेबल है। मैं तो बोलूँगी बेस्ट अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते ही रहे हरम पहुँचने तक इंशाल्लाह। सो फर्स्ट वाइल एंटरिंग इन टू द हरम विथ राइट फुट रिसाइट दिस दुआ, एंड द दुआ इज़ बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाब रहमतिका। हरम में जब आप एंटर होंगे तो राइट कदम अपना पहले आगे बढ़ाइए और ये दुआ पढ़िए। अपॉन साइटिंग द काबा फॉर द फर्स्ट टाइम, रेज योर हैंड्स एंड पोर आउट योर हार्ट इन दुआस एज इट इज़ अ प्लेस एंड ओकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दुआ। काबा पे आपकी जब फर्स्ट टाइम नज़र पड़ेंगी तब आप काबा को देखकर अपना हाथ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए, क्योंकि ये वो मौका है जहाँ आपकी दुआ कबूल होती ही होती है इंशाल्लाह। सो नाउ स्टॉप रिसाइडिंग तलबिया। तवाफ़े काबा का वॉक हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है जैसे काबा हमारे लेफ़्ट साइड में होगा। एंड जो तलबिया आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे घर से यहाँ तक हरम तक, तो अब वो आपको स्टॉप करना है क्योंकि अब आप तवाफ़ की नियत करना स्टार्ट कर रहे हैं, तवाफ़ करना स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। सो नाउ यू आर इंटेंडिंग टू परफॉर्म तवाफ़, मैन शुड प्लेस द एहराम इन इत्तिबा। अनकवर द राइट शोल्डर बाय प्लेसिंग द मिडल ऑफ योर अपर एहराम गारमेंट अंडर योर राइट आर्म, एंड दिस डज नॉट अप्लाई फॉर वुमेन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है, आपको राइट शोल्डर के नीचे से एहराम को लेकर लेफ़्ट शोल्डर पे डालना है और राइट शोल्डर आपका ऐसे ही खुला रहेगा। ये तवाफ़ करने से पहले आपको इस तरह से एहराम को पहन लेना है, और ये सिर्फ जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए नहीं। देन परफॉर्म इस्तिलम इन फ्रंट ऑफ ब्लैक स्टोन दैट इज़ हजर अस्वद, हजर अस्वद, जस्ट शोइंग जेस्चर टुवर्ड्स इट विथ योर palm of right hand and recite Allahu Akbar, Allah is the most greatest। अब आपको इस्तिलम परफॉर्म करना है ब्लैक स्टोन जो हजरे अस्वद होता है उसके आगे, आप अपना हाथ ऊपर करें, अपनी हथेली ब्लैक स्टोन को दिखाकर आपको अल्लाहु अकबर पढ़ना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यह आप पढ़ें, इसे इस्तिलम कहते हैं। आफ्टर इस्तिलम बिगिन द तवाफ़
एंड व्हेन यू आर रीचिंग द थर्ड कॉर्नर ऑफ काबा विच इज़ रुक यमनी रिसाइड दिस दुआ टिल यू रीच द ब्लैक स्टोन एंड एज यू कैन सी द रुक यमनी द यमनी कॉर्नर इज जस्ट बिफोर द ब्लैक स्टोन कॉर्नर ओके सो रिसाइड दिस दुआ फ्रॉम द यमनी कॉर्नर टू द ब्लैक स्टोन And the dua is Rabbana atina fi dunya hasnatan wa fil akhirati hasnatan wa qina azaban nar. जब आप यमनी कॉर्नर जो थर्ड कॉर्नर ऑफ काबा है वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको ये दुआ पढ़नी है ये दुआ आपको जब तक पढ़नी है जब तक आप ब्लैक स्टोन हजरे अस्वद तक पहुँच जाएंगे एंड दिस यू हैव टू डू इन एवरी सर्कल वाइल परफॉर्मिंग तवाफ इसके बाद आप तवाफ़ करते वक्त कोई भी दुआ कर सकते हैं कुछ भी आप पढ़ सकते हैं ये आपके ऊपर है बहुत दुआएं करिए और कुछ भी आप पढ़ते रहिए ऐसा कुछ भी नहीं है बस वही पढ़ना था जो अब मैंने आपको बताया वो तो कंपलसरी है उसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं ऐसा कोई जिक्र जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हैं आप दुआएँ मांगे जितना हो सके So then complete your seven circles of Kaaba, same as stated, then perform istilam of the black stone for eighth time and then offer two rakat nafil wherever you want in Masjid al-Haram. जब आपके सेवन सर्कल्स ऑफ काबा कंप्लीट हो जाएंगे फिर से आपको एक बार इस्तलम करना है ब्लैक स्टोन की तरफ देखकर एंड उसके बाद आपको दो रकात नफील नमाज पढ़ना है आप कहीं भी पढ़ सकते हैं मस्जिद अल हरम में आफ्टर कंप्लीटिंग टू रकात्स बेनिफिट फ्रॉम द ब्लेस वाटर ऑफ जमजम एंड दिस इज़ नॉट मैंडेटरी अगर आप चाहो तो आप जमजम का पानी पी सकते हो दो रकात नमाज अदा करने के बाद क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी नेमत है नाउ प्रोसीड टू सफा मवा फॉर सई आफ्टर कंप्लीटिंग तवाफ गो टुवर्ड्स सफा माउंट एंड व्हेन रीचिंग नियर इट रिसाइट द फॉलोइंग दुआ एंड द दुआ इज إن الصفا والمروة من شعائر الله. Indeed, as Safa and Al Marwa are among the symbols of Allah. And then, after reaching Safa, starting point of Sa'i, make dua, glorify Allah by facing the Qibla and recite the following dua. And the dua is La ilaha illallah wahdahu la sharika la. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده After supplication, start walk from Safa to Marwa 7 times and running between the green lights for men is mandatory. Women can walk fast. सफ़ा से जब आप सही करना स्टार्ट करेंगे तो सफ़ा से मरवा आपका फर्स्ट राउंड होगा देन मरवा से सफ़ा सेकेंड राउंड देन सफ़ा टू मरवा थर्ड राउंड ऐसे ही करके आपको जैसा आप फोटो में देख सकते हैं आपको 4 राउंड्स सफ़ा के होंगे एंड 3 राउंड्स मरवा के होंगे ऐसे करके आपको 7 राउंड्स कंप्लीट करना है और देर इज़ नो स्पेसिफिक दुआ और जिक्र ड्यूरिंग सही यू कैन इंगेज योर सेल्फ इन एनी दुआ और जिक्र कोई ऐसा जिक्र नहीं है जो आपको करना है आप अपने आप को कोई अपने पसंद के जिक्र में इंगेज कर सकते हैं आप जो चाहे पढ़ सकते हैं ऐसा कोई कंपलसरी वाला जिक्र नहीं है And after completing Sa'i, drink plenty of Zamzam water. Also, you can take some rest while doing this 7 rounds of Sa'i. Lastly, upon completion of the 7 circuits of Sa'i, men are required to shave or cut their hairs from head. Women are required to cut their hairs equal to the length of a fingertip. जब आपका सही ख़त्म हो जाएगा जब 7 राउंड्स ख़त्म हो जाएंगे आपको अपने हेयर्स कट करने हैं मैन अपने आदमी अपने हेयर्स को शेव करा सकते हैं या कट करा सकते हैं और औरतों के लिए आप सिर्फ अपने फिंगर टिप के उतना हेयर्स कट कर सकते हैं एंड विद दिस लास्ट एक्ट यू हैव कंप्लीटेड योर उम्रा अकॉर्डिंग टू सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह
उसके बाद आपको अपने दो रकात नफील शुक्राने अदा करना है ऑफर टू रकात ऑफ नफील बाय थैंकिंग अल्लाह फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस ब्लेस्ड वर्शिप एंड ऑल्सो शेयर दिस गाइड विद अदर मुस्लिम्स टू। हमने अपनी कार यहाँ पर पार्क कर दी है और अब हम बस से जा रहे हैं। यहाँ पे उम्रा के लिए जो भी आते हैं उनके लिए बस का अरेंजमेंट होता है, सो ये बस हमें इंशाल्लाह हरम तक लेकर जाएगी। हम बस में चढ़ चुके हैं और हम बैठ चुके हैं। अब इंशाल्लाह हमारी बस निकलने वाली है और हम जा रहे हैं हरम। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, रमज़ान उम्रा कंप्लीटेड। इतना सुकून लग रहा है। मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह सबको हज उम्रा नसीब अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन इंशाल्लाह। और इतना आसान हुआ, हम सोच रहे थे रमज़ान में बहुत लोग होंगे, कैसे होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए आए थे और अल्लाह ने काफ़ी आसानी पैदा की। आसानी के साथ हमारा उम्रा हो गया और फिर हरम के पास ही हमने एक रेस्टोरेंट में सहरी कर ली थी और अब हम जा रहे हैं बाहर। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम गेटिंग सो मेनी व्यूज ऑन माई वीडियोज बट आई डोंट हैव मच सब्सक्राइबर्स, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।